आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सबसे पहले हम चलते हैं हमारे रेड कार्पेट के पहले गेस्ट फिल्म क्रिटिक एंड एक्सपर्ट मुर्तजा अली खान के पास। मुर्तजा, वेलकम वेलकम टू द रेड कार्पेट ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ इफी 54। Thank you so much, Satya. Finally, the wait is over. You know, this has been a cinema carnival, cinema extravaganza like no other, because you have to understand that IFFI is not just a film festival. It's an amalgamation of emotions, and it's also one of the 14th, you know, accomplished film festivals in the world, which are accredited by the World's Production Council. And so this is very important that we are now finally coming to the end and we'll see all the amazing winners. For example, I'm very excited about the Golden Peacock winner. Who would that be? We have 15 films here, 13 from India and 12 from the global arena. So this is a very stiff competition. The way I look at film festival, it is always, you know, a way of looking from the past to the future and via the present. So we have the restored classics, which, you know, have been one of the highlights. Hakikat, we have had Guide, we have had international films such as Paranjov, Shadow of Forgotten Ancestors, we have The Exorcist by William Friedkin. And when I talk about the future, we also have 75 Creative Minds, which I feel is a master, you know, thought that has emerged out of Honorable Minister Union Anurag Thakur. It's his brainchild, and we are in the third year. And again, this year we had an amazing lineup of these young, brilliant creative minds. I really think that this is one segment of IFFI that's really going to give us future storytellers. It's going to give us the best of Indian cinema in the years to come. Absolutely. अभी आपने रिस्टोर्ड क्लासिक्स की बात की, तो जितने आपने रिस्टोर्ड क्लासिक्स देखे, आपकी अपनी पर्सनल फेवरेट कौन सी थी? मेरी फेवरेट ऑफ कोर्स, यू नो, गाइड, उसका तो कंपैरिजन ही नहीं है। विजय आनंद जी की गाइड, और जिस कलर्स में, जिस टेक्सचर के साथ, ग्रेनी क्वालिटी के साथ वो आई है, मैं कमेंट करना चाहूँगा यहाँ NFDC को, इनकी पूरी टीम को। दे हैव डन अ फैबुलस फैबुलस जॉब। साथ ही साथ आई वुड से दैट परंजॉव शेडो ऑफ फॉरगॉटन एंसेस्टर्स, यू नो, परंजॉव इज रियली रिगार्डेड एज दिस मास्टर फिल्म मेकर। गोडार्ड ने भी उनके बारे में कहा है कि अगर सिनेमा एक मंदिर है तो उस मंदिर का कोई भगवान है तो परंजॉव है। तो आप जब उसको देखते हैं बड़े पर्दे पर, तो सीरियसली एज अ फिल्म लवर आई वॉज रियली ट्रांसपोर्टेड, यू नो, टू दैट अमेजिंग वर्ल्ड दैट ही क्रिएटेड। तो रिस्टोरेशन में जो काम हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिनेमा जो है एक बेसिकली टाइम कैप्सूल की तरह से मैं देखता हूँ। तो 60s की बात करें, 70s की बात करें, तो ये बहुत कमाल की जर्नी है जो पॉसिबल हुई है आज की जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। एक हमने प्रिजर्व कर लिया है इस ट्रेजर को। अभी आपने बात की 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ द फ्यूचर की, तो ये 75 जो माइंड्स, क्रिएटिव माइंड्स हमने पूरे भारत से चुने हैं, ये हमारा जो भारतीय सिनेमा का इतिहास है उसको अपने हाथों में लिए आगे देख रहा है हमारे फ्यूचर की ओर। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या आपको मौका मिला कि आप इनमें से किसी से इंटरेक्ट कर सकें? जी हाँ, मैं काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर के जो विनर थे उनसे तो मेरी लंबी बातचीत हुई थी, जो पूरी की पूरी टीम है, उन्होंने बताया था कैसे 48 आवर्स के अंदर उनको ये चैलेंज दिया जाता है और उसके दौरान उनको फिल्म बनानी पड़ती है। इस बार जो जज हैं वो शुजित सरकार हैं, और इसलिए आई वुड से दैट, यू नो, जो विनर हैं that have actually been best tested by the best, you know, in the business. और सबसे खास बात क्रिएटिव माइंड्स की ये रहती है कि आपको ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग से गुजरना पड़ता है इन अ लिमिटेड टाइम। सो राइट फ्रॉम आइडिएशन टू एडिटिंग टू एवरीथिंग, एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस, सब उसमें आ जाती हैं। सो द रीज़न वाई आई फील दैट क्रिएटिव माइंड्स आर अमेजिंग इज बिकॉज फ्यूचर में जो स्टोरी टेलर्स होंगे उनको इंस्पिरेशन मिलती है यहाँ से, जैसे प्लेटफॉर्म से। इसीलिए जो अनुराग ठाकुर जी का जो इनिशिएटिव है, आई थिंक इट्स रियली अ गेम चेंजर। बिकॉज हम हमेशा बात करते हैं हमारे ग्रेट लेगेसी के, वी हैव, यू नो, अ लेगेसी विच इज़ मोर देन 100 ईयर्स नाउ। अगर हम बात करें, यू नो, राइट फ्रॉम द डेज ऑफ दादा साहब फाल्के, और फिर हम बात करें राज कपूर एंड, यू नो, ऑल द वे टू द प्रेजेंट जनरेशन, श्याम जी की बात करें अगर हम, तो ये जो प्रेजेंट जनरेशन ऑफ स्टोरी टेलर्स हैं, ये अब बेसिकली बैटन पास कर रहे हैं यंगस्टर्स को, इन फ्यूचर क्रिएटिव जीनियसिस को, कि आप लीजिए, आपके आगे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक दिस ट्रेडिशन फॉरवर्ड, विच इज़ द ग्लोरियस लेगेसी ऑफ इंडियन सिनेमा। इसलिए आई वुड से दैट दिस इज़ रियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, एंड नो वंडर, यू नो, नाउ अब 3 साल हो चुके हैं, 75 75 75, सो 225 क्रिएटिव माइंड्स हैव ऑलरेडी इमर्ज्ड। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट फ्यूचर इज रियली गोना बी इनरिच्ड बाय दिस एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा सेलियंट फीचर ये रहा कि जो युवा आए हैं वो केवल भारत के मेट्रोपॉलिटन सिटीज से नहीं बल्कि देश के दूर दराज इलाकों से भी आए हैं। तो कैसा रहा इन 75 क्रिएटिव माइंड्स का सफर? आइए देखते हैं अगली AV में।
It's a hectic thing. I mean, we haven't slept for 4 days. If we make a good film in 48 hours, it is a win for us. It comes down to the last, you know, handling your pressure and how well you're bonded. Oh, our director, our editor, sorry, is like super, super tense right now. The editor is really sweating, even though it's completely AC. So yeah, the pressure is rising. I really feel fortunate that I wouldn't call them the future, you know, directors. I would call them the director of today, you know. Sabne bana diya tum logon ne. So aaj ke director ban chuke ho. इफ़ी मैं एज अ स्टूडेंट आया था 2 साल पहले और आज मुझे एज अ कॉम्पिटिटर एज अ पार्टिसिपेंट आने का मौका मिल रहा है तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी. एंड बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड करे एनिमेशन के और सिनेमाटोग्राफी के जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. हम सभी हरियाणा से संबंध रखते और हरियाणा में तो अभी फिल्मों का चलन इतना नहीं है. ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें हमें मास्टर क्लास भी मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है. In 2023, if you are not using AI for your creating your PowerPoints, then you are wasting 99% of your time. If you are not using AI in your Excel, then you are wasting 95% of your time. And if you are not using AI tools in general, my friend, you are going to get replaced. So what is solution for that? Solution for this is going to be learning AI tools and becoming irreplaceable in the job market. And who is going to teach you that? I am going to. Hi, I'm Aditya Kachwe and I am an alumni of IIT Kharagpur, and in my 3 hours workshop I'm going to teach you all the latest AI tools which are absolutely very, very, very useful for every working professional. And I'm not going to price this workshop for 500 rupees or 300 rupees. I want each and every one of you to attend this workshop. That's why I'm going to keep price of this workshop just at ₹9, which is less than a packet of chips. So what are you waiting for? Click on the link below, sign up for the workshop. I'll see you inside the workshop. मैंने गिने एक खास दोस्त है. डंबलडोर या टावल? खास दोस्त है ना, तो गिफ्ट भी खास ही होना चाहिए. SNP पर हर गिफ्ट है बना खास रिश्तों के लिए. Which one you like? I love. तू है वो खास दोस्त. खास दोस्त के लिए, खास दोस्त के लिए. Download the app now. मौका है जिसमें हमें मास्टर क्लास भी मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है. And we are still in conversation with Mr. Murtaza Ali Khan, and what a pleasure to have you on the red carpet here for the closing ceremony of the 54th IFFI. And Khan Saab, we are obviously, you mentioned about the third edition of 75 brilliant minds, that they are creative minds. What an opportunity for the young kids, you know. We are talking about India becoming the hub of the global cinema, and these 225 odd young filmmakers, young technocrats, and so many various aspects of filmmaking. Amazing future we have. See, I really appreciate when Mr. Thakur said that, you know, India will become the global superpower as per Modi's vision by 2047, and cinema is going to play a very important role in that. And when we talk about cinema, we have to talk about the youngsters. And this is such an initiative that is allowing India to see some of the best talents from different parts of the country. As you rightly said, it's not just from the metros. We are talking about each and every nook and corner of India. So wo cheez mujhe bahut khushi deti hai ki kaise young brilliant minds aate hain yahan pe एक साथ, और एक साथ वो जो टीम को लेके जो सिनर्जी होती है वो भी क्रिएट होती है. एंड देन व्हेन यू हैव अ जज लाइक सुजय सरकार, सो यू आर बीन वॉच एंड ट्रेन्ड बाय द बेस्ट. और इस बार मास्टर क्लासेस भी रहे इन लोगों के लिए, तो ये लोग साथ साथ सीख भी रहे थे और साथ साथ उसी चीज को ही अप्लाई भी कर रहे थे. सो दैट इज वॉट हैज टेकन द आइडिया ऑफ दिस इनिशिएटिव टू द नेक्स्ट लेवल. नाउ वी आर ऑलरेडी इन द थर्ड ईयर एंड आई सी, यू नो, ऑलरेडी 225 क्रिएटिव माइंड्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू द वर्ल्ड, यू नो, बाय इंडिया थ्रू दिस प्लेटफॉर्म व्हिच इज इफी. Absolutely, it speaks volumes about the stature of the festival as an international of international repute. You know, those kids getting this opportunity,
how could we imagine something like this, you know, say 20 years ago, it wasn't possible. But, you know, if he has grown leaps and bounds with every passing edition, and at the 54th edition, all these young technocrats, young filmmakers, jaisa hum baat bhi kar rahe hain ki hamare desh ke to har 10 kilometer pe ek nayi kahani hai, har bhasha badalti hai, culture badalta hai, aur sabke liye apni ek ek voice mil raha hai iffy ke through wahan pe. Amazing opportunity. Jo main add karna chahunga wo ye hai ki dekhiye puri duniya ki nazar is waqt Bharat par hai. Yahan pure duniya ke filmmakers aaye hue hain, pure duniya ke talent aaye hue hain. To jab wo देखते हैं यार भारत में छोटे छोटे शहरों से निकल के ये क्रिएटिव टैलेंटेड माइंड्स आ रहे हैं सो दे गेट वेरी एक्साइटेड आई बीन टॉकिंग टू सो मेनी फिल्म मेकर्स आई बीन टॉकिंग टू सो मेनी ऑफ दीज यू नो इंटरनेशनल टेक्नीशियंस हु आर हियर एंड दे आर सुपर एक्साइटेड बिकॉज इंडिया विल ऑल्सो बी द ग्लोबल हब इन अ सिनेमा वे तो वो डेस्टिनेशन भी रहेगा टेक्निकल स्पेस में भी सबसे ज़्यादा इंडिया को लेके हब है और शूटिंग लोकेशंस के टर्म्स में भी वो इंडिया आना चाहते हैं अब टैलेंट भी इंडिया से निकल के आएगा सो मे बी वी कैन हैव दिस इंटरनेशनल पीपल कम टू इंडिया और हमारा अपना टैलेंट यू नो आर ओन मेकर्स आर ओन टेक्निकल पीपल दे विल बी हेल्पिंग दिस प्रोजेक्ट्स सो इंडिया इज गोना बी अ लीडर अगेन इन दिस फील्ड Very rightly pointed out, very rightly Mr. Murtaza has said about all the filmmakers and different walks of filmmaking departments. They have been here conducting master classes and nurturing young talent. It's time to look at those master classes which has helped in the last 10 days or so. Every time whenever I stand in front of the camera, I don't know what to do. So please don't take this as a class. Treat me as one of you. And then let's just sit and share. And I'm a great fan of Kushbu Madam. It is not... ninga pesinadhukaga na thirumbi pesala. And then my language, please try to understand. Don't refer dictionary anything. Just refer my face and there you can understand. Angrezo ko lag raha hai. कि उन्होंने क्विट इंडिया का सर कुचल दिया है लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती इट वॉज वेरी सिंपल इट्स ऑलवेज इंस्टिंक्ट बेस्ड वेन एवर अ पीस ऑफ स्टोरी सिनॉप्सिस कॉन्टेंट Or a screenplay comes my way, and then it matches the passion of the filmmaker and writer. The story of Ae Watan Mere Watan is just so inspiring, and I could see the passion in Kanan's eyes and Darab's eyes, who wrote the film along with Kanan. I just want to say that Karan sir said it very beautifully, that I think this is a story that deserves to be told. Hindustan! Zindabad! हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है वाह इट्स ग्रेट इंटरेक्शन टू बी ओवर हियर एंड विद तरन डेफिनेटली विद यू इट्स ग्रेट ऑलवेज I think this is the third time we are having a master class over here in this last 10, 12 years, I think so. Well, those master classes, obviously, absolute eye-opener. And on that note, we'd like to, you know, have a little more word about the festival. You've been here in the last 10 days or so, Mr. Murtaza. You know, other than master classes, open-air screenings, you know, एक वो बड़ा एक वार्म टेक्सचर उन्होंने फेस्टिवल में ऐड किया है कि तीन जगह पर यहाँ पर था रविंद्र लॉन में उसके अलावा मीरामार बीच पे और अंजना बीच पर भी स्क्रीनिंग वहाँ पर होती थी शाम को लोग आते थे लेजर टाइम में आराम से एक बड़ा माहौल बनता था वो एक बड़ा एक ऑल इंक्लूसिव बनाता है फेस्टिवल को देखिए इफ़ी जैसे फेस्टिवल के साथ एक दिक्कत कई बार ये हो जाती है कि इतने हज़ार डेलीगेट रजिस्टर कर देते हैं कि यू नो एनएफडीसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है टू ऑफर मोर डेलीगेट पासेस तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एवेन्यू जो उन्होंने शुरुआत की वो है सिनेमा मेला जिसकी हमने बात करी विच इज़ अ हिट और ये जो आउटडोर स्क्रीनिंग्स होती हैं इसमें जो माहौल होता है ये तो आप सिर्फ देख के ही जान सकते हैं यू नो यू हैव टू बी देयर वी कैन शो यू द विजुअल्स आल्सो बट जब तक आप उसमें बैठे नहीं हैं तब तक आपको वो मज़ा और वो लुत्फ नहीं उठा पाएंगे और इस बार इफ़ी की खासियत ये भी है कि बाजार जो है यू नो दैट ऑल्सो ब्रॉट सम अमेजिंग सेशंस यू नो थ्रू नॉलेज सीरीज़ और इन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी ऐड कर दी है
मुर्तजा, फिल्मी बाजार की बात हुई है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी एक सेशन मॉडरेट किया है फिल्म बाजार का, और वो बिल्कुल अपने आप में एक अनूठा सेशन था, क्योंकि जब भी हम फिल्म मेकिंग की बात करते हैं तो हम सितारों की बात करते हैं, हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, कैमरा की बात करते हैं, लेकिन जिस विषय में आपने बात की, सस्टेनेबिलिटी इन फिल्म मेकिंग, अ ग्रीन इनिशिएटिव इन फिल्म मेकिंग, दिस इज कम्प्लीटली समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग दैट इंडिया हैज थॉट ऑफ. कैसा रहा ये सेशन एंड हाउ वाज द रिस्पांस? सी, 2006 में जब अलगोर की इनकन्वीनियंट ट्रुथ फिल्म आई थी तो बहुत सारे लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस बढ़ी. उससे पहले क्या हो रहा था कि हम लोग मानते थे, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे, पर हम लोगों को लगता था कि ये फ्यूचर का फिनोमेना है. उससे पता चला दैट इट्स अपॉन अस, the problem of global warming, environmental change, everything is upon us. So इस session की खासियत यही थी कि हमने बात करी कि film making जो है वो उसमें भी कितना wastage होता है. अगर हम बात करें material की wastage होती है, food की wastage होती है, carbon footprint बढ़ता है. तो चंडीगढ़ करें आज की जो film आई थी अभी एक pandemic के दौरान, प्रज्ञा कपूर ने इसको produce किया था, अभिषेक कपूर ने इसको direct किया था, आयुष्मान खुराना और वानी कपूर उसमें मुख्य भूमिका में थे. इसमें इन्होंने, प्रज्ञा कपूर ने इनिशिएटिव लिया कि हम इसमें सस्टेनेबल वे में शूट करेंगे, तो फूड वेस्टेज को बिल्कुल जीरो कर दिया, मटेरियल वेस्टेज को बिल्कुल जीरो कर दिया. और ये सेशन बेसिकली इस केस स्टडी को लेके आगे बढ़ता है. तो हमारे साथ प्रज्ञा जुड़ी हुई थी, दिव्या जुड़ी हुई थी, जिन्होंने एक्चुअली में स्क्रैप नाम की कंपनी चलाती हैं, और प्रज्ञा के साथ मिलकर एक्चुअली में ये रियलाइज किया और एक्चुअली में सस्टेनेबल फिल्म मेकिंग की तरफ आगे बढ़े. अब ये केस स्टडी पूरा बॉलीवुड पढ़ रहा है. और साथ हमारे जुड़ी हुई थी जय साइंस नाम की एक लेडी जो यही काम वेस्ट में कर रही हैं. उन्होंने अभी श्रुति हसन के साथ एक द आई नाम की फिल्म बनाई है ग्रीस में, जिसमें कि एक्चुअली उन्होंने ट्रेलर्स की जगह बेडोइन टेंट्स यूज किए. सो आप सोचिए, जीरो वेस्टेज हो गया व्हेन यू हैव, एंड दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ फिल्म मेकिंग इफ यू आस्क मी, बिकॉज वी कैनॉट गो ऑन एंड वेस्ट फूड. हर फिल्म सेट पे प्लास्टिक वेस्टेज की बात करें तो आई थिंक इट्स स्टैगरिंग. फूड वेस्टेज की बात करें तो क्विंटल्स में और यू नो टन्स में फूड वेस्ट होता है. तो वी कैनॉट अफोर्ड, द प्लैनेट कैनॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ वेस्टेज. सो दिस सेशन वॉज ऑल अबाउट दैट कि कैसे इस वेस्टेज को मिनिमाइज करें और कैसे फिल्म मेकिंग का जो फ्यूचर है उसको ग्रीन बनाएं और उसको सस्टेनेबल बनाएं. अमेजिंग साइड दैट यू हैव टच्ड. मुझे लगता है कि किसी भी आर्ट का, सिनेमा की हो या कोई और एस्पेक्ट हो आर्टिस्ट के, सबसे ज़रूरी यही है कि कितना सेंसिटिव आपको सोसाइटी और इकोसिस्टम को और ह्यूमैनिटी को लेकर बनाता है. अमेजिंग वर्क यू हैव डन, अमेजिंग इनसाइट्स दैट यू हैव शेयर्ड विद अस. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड वी आर नॉट गोना कीप यू वेटिंग हियर. एंजॉय द क्लोजिंग सेरेमनी, वी आर इंचेस अवे फ्रॉम दैट. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू सो मच मुर्तजा. वैसे मुर्तजा ने अभी बात की थी रिस्टोर्ड क्लास